मैं हूं इमरान अली शाह, आप देख रहे हैं एमएम न्यूज़ टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के साहिल पर, नेटी जेटी पुल के पास। केमाड़ी का इलाका है ये, और यहाँ पर लोग तफरी करने के लिए आए थे ईद के मौके पर, मगर यहाँ पुलिस ने धावा बोला है और लोगों को भगा दिया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखा सके कि अकब में आवाम की बड़ी तादाद है जो इस वक्त वापस जाने की कोशिश कर रही है साहिल समंदर से। साहिल समंदर पर ये पिकनिक मनाने आए थे। पुलिस की गाड़ी भी आपको वाजे तौर पर दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और लोगों को यहाँ से भगाया जा रहा है साहिल समंदर से। केमाड़ी का ये इलाका है, नेटी जेटी पुल, जहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है और पुलिस जो है लोगों को भगा रही है। लोग बाइकों पे आए हैं, लोग यहाँ पर जो है वो जमा थे और पुलिस हरकत में आई है, डंडे उठाए हैं और इस वक्त बिल्कुल लोगों को भगाने की कोशिश की जा रही है। साहिल को खाली कराया जा रहा है, पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। अब इनको साहिल पर तूफ़ान से कुछ लोग कह रहे हैं बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि तूफ़ान अभी दूर है, लेकिन समंदरी तूफ़ान का भी खदशा है। और दूसरी तरफ समंदरी तूफ़ान के साथ साथ कोरोना SOPs का भी ख्याल रखा जा रहा है। पुलिस का ये कहना है कि कोरोना SOPs जो है वो उससे बचाने के लिए, कोरोना की वबा से बचाने के लिए, ताकि लोग एक जगह जमा ना हो, लोग जो है उनको बचाया जा रहा है। लोग अपनी फैमिली के साथ आए थे और उनको जो है वो यहाँ से पुलिस ने हटा दिया है, ताकि लोगों को कोरोना से महफूज रखा जा सके। या फिर दूसरी तरफ आवाम का ये कहना है कि साहिल समंदर पर तूफ़ान का खदशा है, जिसके बायस लोग जो है वो यहाँ से रोका जा रहा है, पब्लिक को यहाँ से हटाया जा रहा है। पुलिस की नफरी मौजूद है यहाँ पर, जो लोगों को भगा रही है। पुलिस को जो है वो अभी देखा होगा आपने स्क्रीन पर कि उन्होंने डंडे भी बरसाए लोगों पर और भगाने की कोशिश की, मगर लोग बहुत ही सख्त जान हैं, बहुत ही ढीठ हैं। यहाँ हमारी आवाम जो है वो मानने को तैयार नहीं है कोरोना को, और लोग पीछे हटते जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर के नौजवान खड़े हुए हैं बाइक पर, और इनको भी पुलिस ने कहा है कि फौरन जगह को खाली कर दें। यह आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि लोगों को पुलिस से एहलकार डंडा दिखाकर भी भगाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर लोग जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। और आपको हम दिखाएंगे कि एक एम्बुलेंस खड़ी है, उसके हक में मज़ीद लोग अंदर घुसना शुरू हो गए इस एरिए में, इस साहिल के करीब। आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ और लोग घुसना शुरू हो गए हैं। लोग अपनी पिकनिक मनाने पर बज़िद हैं और पुलिस जो की जो है नफरी यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने भगाया है SOPs के ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों को। क्या आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पुलिस की गाड़ी जा रही है, जिन्होंने इस साहिल के पूरी पट्टी को खाली करा दिया है लोगों से। अभी भी कुछ लोग जो है साहिल पर नज़र आ रहे हैं, पुलिस उसी तरफ जा रही है और उन्हें भगाने की कोशिश करेगी। यकीनन हम उसी तरफ चलते हैं ताकि हमारे नाज़रीन देख सके कि क्या सूरत हाल चल रही है और किस तरह से इस जगह से लोगों को हटाया जा रहा है। साहिल समंदर का इलाका है ये, केमाड़ी का इलाका है ये, और नेटी जेटी पुल के करीब है। और लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं, जिनको यहाँ से SOPs के तहत जो है वो हटाया जा रहा है। अब हम आगे जा रहे हैं, एक पुलिस एहलकार आगे बढ़ रहा है, और जो लोग दोबारा मज़ीद यहाँ पर आ गए, एक तरफ से ये भगाते हुए उस तरफ गए थे और दूसरी तरफ से अभी देखा है इन्होंने तो लोग मज़ीद जो है वो यहाँ दाखिल हो गए हैं, और कुछ लोगों के हाथ में आटे की गोलियाँ हैं जो मछलियों को डाल रहे हैं समंदर में, और कुछ लोग जो है वो तफरी के लिए यहाँ आए हुए हैं। और लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं और मालूम करते हैं उनका यहाँ क्यों आना हुआ था और किस लिए यहाँ पर आए थे। बेटा किस लिए आए थे आप लोग यहाँ, बताएं बताएं किस लिए आए थे? आटा डालने।
भाई आप बताइएगा। हम यहाँ पे आटा डालने आए थे मछलियों का, मगर यहाँ पे कोई खड़ा ही नहीं दे रहा। अब कोई तफरी की जगह नहीं है, बच्चियों कहीं लेके जाए, अब एक ये जगह थी यहाँ पे आए, यहाँ से भी भगा रहे हमको, बोले जाओ घर पे। तो आप क्या समझते हैं कोरोना से इस पे अमल करते हुए आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, मगर अभी क्या करें, अभी सांस घुटता है मास्क लगाने से, दम घुटता है। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि SOP के तहत आना मना है मुख्तलिफ मकामात पे? नहीं, आ रहे हैं SOP की तो करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, आना चाहिए। फिर आप क्यों आए? बस अभी क्या करें, आदत पड़ी हुई है कराची की पब्लिक को। अच्छा, ये आप आटा डालने आए थे? जी जी, मछली को आटा डालने आए थे। जी जी, यानी कि कोई तफरी की इससे नहीं आए थे, हम तो खाली आटा डालने आए थे मछली को। नाज़रीन देखा, जैसे इन्होंने बताया कि सिर्फ मछलियों को ये आटा डालने के लिए आए थे। एक बुज़ुर्ग और यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि पुलिस से यहाँ से लोगों को भगा रही है। और ये यहाँ बुज़ुर्ग जो है यहाँ पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब। बड़े साहब, कैसे आना हुआ यहाँ पर आपका? ये रोटियाँ डालने आए हूँ भाई यहाँ पर, मछलियों को रोटी डालना। तो भाजी बताएगा कि अभी SOP की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लोगों को मना है साहिलों पर आना? अब मास्क तो लगाते हैं, हमारे पास है मास्क भी। मास्क के अलावा मतलब जमा होने को मना है ना? जमा होने को मना। अब ये तो ऐसा है ना, ये तो हम 5 मिनट के लिए आए हैं, हम ज्यादा देखें जी रोटी डालने के लिए आ गए। ये इतनी सारी जमा हो गई है, हम भूसी टुकड़ों को बेचते नहीं है, हम जानवरों को खिला देते हैं। जी मछली जी जी। वैसे कहाँ आप लोग कहाँ से आए? हम गार्डन से आए। गार्डन जी। नाज़रीन जैसे कि आपने दोनों के सुना कि दूर दराज मुकाम गार्डन से ये लोग आए हैं, और यहाँ आने का इन्होंने मकसद बयान किया है। पुलिस ने भी इन्हें थोड़ी सी छूट दी है कि ठीक है, आप रोटी या जो कुछ भी आपने आटे की गोलियाँ डालनी हैं मछलियों को वो डाल लें और फौरन यहाँ से रवाना हो जाएं। तो ये एक मौका दिया है। इसके अलावा दीगर जो लोग बिला वजह के लिए खड़े थे, तफरी कर रहे थे, उनको पुलिस ने फौरी तौर पर भगा दिया, वापस कर दिया। और ये सूरत हाल यहाँ पर साहिल पर नज़र आ रही है, और साहिल पर लोग जो है यहाँ मौजूद हैं, मगर पुलिस जो है वो उन्हें टिकने नहीं दे रही है। यहाँ मछली बेचने वालों के स्टाल भी थे, और मछलियों को दाना डालने के लिए, मछलियों को आटा डालने के लिए, और परिंदों को गोश्त डालने के लिए, चील कौवों को गोश्त डालने के लिए यहाँ पर एक स्टाल थे कई। उन स्टालों को भी यहाँ से फौरी हटा दिया गया है। साले समंदर पर केमाड़ी का ये इलाका है, नेटी जेटी पुल के साथ, जहाँ नेटी जेटी पुल ख़त्म होता है केमाड़ी की तरफ, वहाँ ये एक मुकाम बना है तफरी का। मगर तफरी के ख़िलाफ़ जो है वो इस वक्त पुलिस नंबरदाजमा है, क्योंकि SOP के तहत तमाम तफरी गाहें बंद की गई हैं। जी